भारत की आबी जा रही है। दरिया सतलुज की मौजें ठाठे मारने लगी। सैलाबे पानी से बस्तियां जरियाब, फसलें पानी में बह गईं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहरिक, हेलीकॉप्टर से जिला बहावलनगर के मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात देखी। अफसरान को रिलीफ के कामों की खुद निगरानी की हिदायत। मुतासरा इलाकों में खुराक और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। वज़ीर-ए-आला हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाकर मुतासरीन की हिम्मत बांध रहे। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शोएब जदून के हुक्म पर जिले के 42 जिलों में आज के तौर पर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। फ्लड रिलीफ कैंसर टाइम फ्री एजुकेशन मोहम्मद असलम का कहना है, दरियाई बेल्ट में वाकया स्कूल्स में मुमकिन तनाव के पेश नजर तालीमी सरगर्मियां आर्थिक तौर पर मुअत्तल की गई। स्कूल्स के रिकॉर्ड को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। बहावलपुर में बस्ती मंगवानी और डेरा भक्का के दरमियान जमीनी रास्ता मुनकता, कश्ती सर्विस शुरू। उधर चिश्तियां के नवाही इलाके के करीब दरिया सतलुज पर बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां और दर्जनों एकड़ फसलें जरियाब, जबकि मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इरशादुल हक की हंगामी मीटिंग। अहलकारों को भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। मरीजों के लवाहिकीन को अब दरबदर नहीं होना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब का सूबे भर के तमाम अस्पतालों में पनाहगाहें कायम करने का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर अस्पतालों में पनाहगाहें कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। सीईओ हेल्थ को पनाहगाहें कायम करके रिपोर्ट करने की हिदायत। लवाहिकीन ने फैसले को कुछ आयन करार दे दिया। बहुत अच्छा किया है हुकूमत का, ये बहुत शुक्र है। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। ये अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। मुल्तान की सड़कों और गलियों में बेहंगम तारों का जाल, कहीं जमीन को छूटी तारें तो कहीं जमीन बोस बिजली के पोल। शहरियों के सरों पर खतरा मंडलाने लगा। मेडिसन मार्केट और चबा बाजार समेत दीगर मार्केट्स के दुकानदार भी परेशान। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर नाला। ये दीवारों के साथ, इस पोल के साथ देखें कितनी गंदी तारें खड़ी हैं। बच्चे हमारे घर महफूज हैं। हाँ, यहाँ कोई इसका इंतजाम नहीं है, कोई वो नहीं है। लेडीज तंग हैं, घर वाले मोहल्ले वाले दूसरे चक्का लगा के उधर से जाना पड़ता है। मुल्तान में LMQ रोड की तौसी का मंसूबा, दुकानदारों को दी गई डेडलाइन खत्म। MP ने दुकानदारों को 5-5 फीट दुकानों का हिस्सा गिराने का हुक्म दिया था। दुकानदारों का कहना है महकमे की जानिब से ताहाल मुआवजा अदा नहीं किया गया। MDA के डायरेक्टर इंजीनियर नजीर चुगताई ने दुकानदारों को मुआवजा देने की यकीन दहानी करा दी। ये हमारे साथ तावन करें और ये हमें खाली कर दे, जबकि मुआवजा भी अनकरीब इनको MDA पे करने जा रहा है। स्कूल्स में तामीर होंगे नए क्लासरूम। जनूबी पंजाब के 12 अजला के स्कूल्स के लिए डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बरतानिया की जानिब से 1 अरब 35 करोड़ के फंड जारी। बहावलपुर के स्कूल्स में क्लासरूम्स की तामीर के लिए 8 करोड़ 20 लाख से जायद के फंड रिलीज। बहावल नगर, राजनपुर, DG खान और मुजफ्फरगढ़ को फंड मिल गए। अब पुलिस की तफ्तीश का अंदाज बदलेगा। पंजाब भर में तफ्तीशी निजाम में मौजूद खामियों दूर करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का फैसला। ट्रेनिंग स्कूलों के लिए कमरे मुख्तस किए जाएंगे। माहिर कानून तफ्तीशी अफसरों को रोजाना की बुनियाद पर लेक्चर देंगे। रवाबाह के दौरान ट्रेनिंग स्कूल्स को ऑपरेशनल करके रिपोर्ट RG पंजाब को भिजवाई जाएगी। स्पोर्ट्स मनरू में कुछ सुलेमान म्यूजिकल फेस्टिवल ने रौनकें बिखेर दी। फनकारों की परफॉर्मेंस ने माहौल गर्मा दिया। मुकामी अफराद की जानिब से सकाफती रक्स पेश, तलवारें उठाकर डांस का मुजाहरा, शायकीन पुरजोश। स्पोर्ट्स मनोरो म्यूजिकल फेस्टिवल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। बच्चों की तफरीश लिए जूकर डांस का अहतमाम। वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल, मशीर सेहत वजीर आला पंजाब हरीफ खान पतापी, कमिश्नर डेरा गाजी खान, मुदस्सर रियाज मलिक, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी MPA सरदार अहमद अली दरेशक की भी शिरकत। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, मकामी पुलिस समेत रेंजर सिक्योरिटी के लिए तैनात। स्कूल्स के बच्चों ने कमाल कर दिया। मीनापुर जंगल में 1 मिनट में 15,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड बनाया है तो इनाम भी मिलेगा। जहांगीर तरीन का फीकस बच्चा 1,000 रुपए देने का ऐलान। कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और DPO ने शिरकत की। यहाँ एक पार्क बनाएंगे,
और अल्लाह ने जिंदगी दी तो यहाँ इंशाल्लाह एक जानवर भी छोड़ेंगे ताकि लोधरा के लोग तफरी करने के लिए आए तो जानवरों को भी देख सकें और इस जंगल का फायदा भी उठा सकें। मीरापुर जंगल में बनेगा सफारी पार्क, रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन का ऐलान। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगु में बोले, 40 साल से वीरान मीरापुर जंगल को आबाद किया गया। मीरापुर जंगल में सफारी पार्क शहरियों को म्यारी तफरी मुहैया करेगा। कंदील बलोच कातिल केस की सबात अब रोजाना की बुनियाद पर होगी। मुलजिमान वसीम, मुफ्ती अब्दुल कवी, हतनवाज, अब्दुल बासित और जफर मॉडल कोर्ट में पेश। दो सरकारी गवाहान इंस्पेक्टर इलियास हैदर और सब इंस्पेक्टर नूर अकबर पर जिरह मुकम्मल। पार्किंग स्टैंड वाले तंग करते हैं, सिक्योरिटी का मसला है या कैंटीन पर गैर मियारी अशिया मिलती हैं, अब खामोश ना रही। शेख जैद अस्पताल वहीं ब्यार खान में शिकायत सेल कायम, शहरी शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं। रहीम यार खान ने जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद की एलाइड खातिन वकला यूथ और अकलियत विंग के अहदेदारान से मुलाकात। मखदूम सैयद अहमद महमूद का कहना है, मसला कश्मीर को पीपल्स पार्टी का हर वर्कर हर फोरम पर उजागर करे। रहीम यार खान में वजीर आजम के मुआवनी खसूसी बराए अकलियती अमूर डॉक्टर रमेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीरियों से जारी यकजहती करते हुए महासिंह बजालिन की शदीद मजम्मत की। डॉक्टर रमेश का कहना था, कश्मीरियों को इबादत की अदायगी से रोकना इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। बहावलपुर में गोगा वीर मेले में हिंदुओं की जानिब से आजादी का भरपूर इजहार। भारत को पाकिस्तान ने अकलियतों की आजादी पर शर्म दिलाई। मेले में पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। उधर सादिकाबाद में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की तकरीब, वज़ीरे आज़म के मुआवन खसूसी बराए अकलियती अमूर डॉक्टर उमेश कुमार की शिरकत। हिंदू कम्युनिटी ने अपना त्यौहार कश्मीरियों के नाम कर दिया। मियां वाली में सड़क किनारे पड़े लावारिस बच्चे को नई जिंदगी और शनाख्त मिल गई। वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम के तहत सरकारी इदारों की मुश्तरका काबिज से बच्चे को शेल्टर मिलेगा क्या। कमिश्नर डेरा गाजी खान, मुदस्सर रियाज मलिक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिवरेज के इंतजाम का जायजा लिया और शहरियों से मसाइल भी दरियाफ्त। बहावलपुर में डेप्यूटी कमिश्नर गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के खिलाफ इनएक्शन, जराई जमीन को कमर्शलाइज करके फरोख करने वाली हाउसिंग स्कीम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज की जमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। गहरोट पक्का में डीसी और डीपीओ का मुहर्रमुल हराम के रूट्स का दौरा, टिब्बा सादात, मोहल्ला मुमताज आबाद, बस्ती पक्का और इमाम बारगाह, कसर शाह खरासान में इंतजाम का जायजा लिया। उधर डीजी खान में मुहर्रमुल हराम के हवाले से आरपीओ इमरान अहमद की जेर सदारत मीटिंग, आरपीओ को सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। और मेरे साथ इसमें राना नवीद प्रेस वाला है वो शामिल है, और तकरीबन हमने 15 से 16 लड़कियां जो हैं वो हमने फोकट की हैं 1.5 से 2 लाख में। रहीम यार खान ने लड़कियों को फरोग करने का मामला, गिरफ्तार मुलजिमा तानिया की तहलका खेज इंकशाफात। 4 साल से लड़कियों को फरोग करने का एतराफ, लड़कियां सिर में 2 लाख रुपए में फरोग की जाती थी। मियांवाली में जिला इंतजामिया और पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग, 4 भत्ताखोरों को सेंट्रल जेल में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद होने वालों में शाह आलम खान, शाहजहां खान, बहादुर खान और जफर इकबाल शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज, शहरियों के डीसी और डीपीओ जिंदाबाद के नारे। कमर मुशानी मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का मुश्तरका मेडिकल कैंप का, शहरों को बोर्ड से चेकअप के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम। रोही चोलिस्तान में टीडी दल के सर्वे कंट्रोल और खात्मे के लिए वर्कशॉप, डीजी फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर फलकनाज माहरीन और दीगर की शिरकत। सुरका ने टीडी दल को खत्म करने के लिए अपने तजुर्बात से आगाह किया। पाकिस्तान सेंट्रल रेलवे प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने वाले वार्डर्स की पासिंग आउट परेड, सुबाई वजीर जेल खाना जहाज चौधरी, जवाहर हुसैन चौधरी,
بڑائش کی بطور مہمان خصوصی شرکت مارشل آرٹس کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا. بہترین کارکردگی پر جوانوں کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا. بہاول پور سینٹر جیل کی پریڈ میں بھی آئی جی جیل خالہ جان محسن رفیع کی خصوصی طور پر شرکت. بہاولپور ڈی ایچ اے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدور کی حلف برداری کی تقریب اجمل تاجران بہاولپور کے مرکزی صدر حافظ یونس کی شرکت فیصل رضوان رند اور کرنل ریٹائرڈ کامران ایک ایک سال کے لیے صدور منتخب. نومنتخب صدور نے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروا دی. اور بورے والا کے لواحی علاقے میں الغازی فلڈ لائٹ اسپورٹس میلے کی افتتاحی تقریب. پنجاب کے ثقافتی کھیل کبڈی سے اسپورٹس میلے کا آغاز. شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت. ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے رقص سے سماں باندھ دیا.